नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं क्या खासियत इस पाम में। सबसे पहले तो जो नज़र आती है खासियत, वो कलर। जब इस तरह का गुलाबी कलर होता है पाम का, तो वो अच्छा खासा धन जीवन में देता है। और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट और बहुत अच्छे अच्छे माउंट है इस पाम पर, वो आगे एनालिसिस में उसका डिस्कशन करेंगे। अब इनका अंगूठा भी काफ़ी मजबूत है। जब इस तरह का अंगूठा मजबूत होता है तो व्यक्तित्व अच्छा खासा स्ट्रांग होता है, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व हो, मध्यम स्ट्रांग व्यक्तित्व रहेगा इनका। इनकी गुरु की उंगली भी बैंड हो रही है शनि पर्वत की उंगली की ओर, तो ये भी दिखा रही कि ये धार्मिक व्यक्ति होंगे। इनकी जो बुध की उंगली है, फर्स्ट फैलेंज के थोड़ी सी छोटी रह रही है, तो चीज़ों को संभाल कर रखने में थोड़ी इनको कठिनाई होती होगी। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग के अंदर, हिसाब किताब में, कहीं ना कहीं ये उंगली उस तरह की एक्यूरेसी नहीं देती जिस तरह की फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती है उंगली, तब मिलता है। तो ये इनमें माइनस पॉइंट रहेगा। अब इनका बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत काफ़ी उभरा हुआ। जब इस तरह का बुध पर्वत व्यक्ति के पाम पर होता है, तो ऐसे व्यक्ति की बोली बहुत अच्छी रहती है, प्लस दिखने में सुंदर होता है, और उस पर खड़ी लाइनें भी इस पर्वत पर है, तो ये भी अच्छा खासा प्लस पॉइंट है। और एक साइन है इस पर्वत पर जो ट्रायंगल बना रहा है। जब इस तरह का ट्रायंगल बुध पर्वत पर होता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार कुशल होता है, बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति में अच्छा खासा कुट कुट के भरा रहता है। और एक और खासियत मैं दिखाता हूं, जब भी कोई बुध रेखा से जो खड़ी लाइनें रहती है वहां से कोई रेखा सूर्य पर्वत की जो लाइन होती है उसको टच करती है, तो ये बहुत अच्छी साइन मानी जाती है पैसे कमाने के मामले में। व्यक्ति जब हमारे पास पाम भेजता है, तो कभी ऐसा मुंह से कहता नहीं कि मैं इतना रिच हूँ या इस तरह का है, पर जैसे ही पाम आता है उनकी सब कुछ चीज़ें ओपन हो जाती है। अब चलते हैं सूर्य पर्वत की ओर। सूर्य पर्वत पर कोई खास बहुत निशान तो नहीं है, पर फिर भी एक स्क्वायर छोटे छोटे बनते दिख रहे, जो इनका मल्टी सिटी बिजनेस होने का शो कर रहे, यानी इनके बिजनेस का विस्तार मल्टी सिटी होगा, क्योंकि एक स्टार एक स्क्वायर यहाँ पर भी बन रहा है। जब इस तरह का स्क्वायर पाम पर बनता है, तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र रहता है वो फैला हुआ रहता है, और इसमें से निकलने वाली जो शाखा है वो स्थिरता देती है जीवन में, और ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और एक साइन है इनके पाम पर, ये हृदय रेखा को मिलकर ये बनने वाला इस तरह का स्क्वायर। जब इस तरह का स्क्वायर किसी के पाम पर होता है, तो व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा मकान या ज़मीनें होती है, मल्टी प्रॉपर्टियाँ ऐसे व्यक्ति के पास होती है। अब यहाँ पर एक स्टार भी है, पर कोई भी स्टार या कोई भी पॉजिटिव चिन्ह जब पर्वत पर होता है, तो उसके फल अधिक मिलते हैं। अब ये स्टार यहाँ पर है, तो ये शनि के गुण को भी बढ़ा रही है और सूर्य के गुण को, पर बीच में होने से फल मिलने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कम हो जाती है। कोई भी चिन्ह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब एग्जैक्ट पर्वत पर होता है तभी उसका बेटर फल मिलता है, पर स्टार है तो कुछ ना कुछ तो फल इनको जीवन में अवश्य देगा, ये दोनों का मिश्र फल देगा। यहाँ पर अचानक राइज देगा इनको, जब स्टार होता है व्यक्ति का फॉर्चून अचानक राइज होता है, प्लस ऐसे लोगों को
एक्सीडेंट से भी बचना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति इनको कंटिन्यू करनी चाहिए, पर फिर भी ये साइड में है तो इतना चिंता का विषय नहीं है। और सूर्य पर अगर स्टार होता है तो वो उसके गुणों को एम्पलीफाई करता है, तो उसके गुण भी अच्छे खासे प्रसिद्धि पाना, पैसा पाना, ये सब ये स्टार देता है, व्यक्ति की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करता है। दोनों के आधे आधे फल इनको इस स्टार के कारण मिल सकते हैं। अब इनका देखने लायक पार्ट है शनि वाला क्षेत्र, ये थोड़ा सा दबा है तो व्यक्ति को मेहनत बहुत कराता है। जब भी शनि दबा होता है, और वस्तुएं मिलती जरूर है व्यक्ति को, पर समय पर नहीं मिलती। जो वस्तु सोचता है व्यक्ति कि एक साल में मुझे मिल जाएगी, उसको 3-4 साल लग जाते, या कल मिल जाएगी तो उसको 10 दिन लग सकते। इस तरह के जब शनि पर्वत दबा होता है तो फल मिलते, पर इस पर्वत पर 2 जादुई निशान है जो इनके जीवन को पलट देंगे। एक ये यहाँ से बनने वाली फिश, ये फिश का एक्टिवेशन पीरियड लगभग 58 से शुरू हो रहा है। इस पीरियड से इनका जीवन में इतना पैसा आएगा ये सोच भी नहीं पाएंगे। जब शनि पर्वत पर फिश होती है और इस तरह की फिश होती है, तो ये पीरियड इनका 58 से शुरू हो रहा है, अंदाजित 1-2 साल आगे पीछे। यहाँ से इनके पास जो धन आने की मात्रा इतने बड़े पैमाने पे हो जाएगी कि ये सोच भी नहीं पाएंगे। और दूसरी भी एक फिश बन रही है, इसको ही लग कर, फिश को ही लग कर, ये वाली। यानी इनके उम्र के 58 से ले के लगभग 80 साल तक अच्छा खासा धन इनके जीवन में आने वाला है। ये व्यक्ति, इनका जब काम होगा, ये स्पेशल टिकट खर्च के मुझे मिलने आएंगे, ये पक्का आप लिख कर रखो। ये इतना धन इनको ये फिश देगी, और इस पर काफ़ी अच्छी अच्छी रेखाएं जा रही है, तो धन की मात्रा इनके पास अच्छी खासी होगी। जब इन्होंने फ़ोन किया था तो खुल के बताया नहीं है, पर इनके पास, इनका पाम देखकर मुझे लग रहा है ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। दूसरी एक साइन इस पाम वाले व्यक्ति के हाथ में है, ये हॉरिजॉन्टल रेखाएं कितनी सारी। जब इस इतनी सारी व्यक्ति के पाम पर रेखाएं होती है, उसका मतलब है मल्टीपल बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस व्यक्ति एक साथ हैंडल करता होगा, इतना टैलेंट इनमें होगा, और इतनी जगह से इनके पास पैसे आते होंगे। और एक बढ़िया सी लाइन जो कंटिन्यू विकास देती है, प्रोग्रेस लाइन इनके पाम पर बनी हुई है, तो ये बहुत। और गुरु पर्वत की गुलाबीपन देखिए आप, जब इस तरह का गुलाबीपन होता है किसी भी माउंट पर, तो वो एक्सट्रीम फल देता है जीवन में। अब चलते इनके निम्न मंगल पर। निम्न मंगल एकदम क्लीन, और ऐसे व्यक्ति में अंदरूनी ताकत भी बहुत होती है, शारीरिक क्षमता भी व्यक्ति में अच्छी खासी होती है। जब निम्न मंगल बड़ा होता है तो उसका शारीरिक दिखावा भी सशक्त होता है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। इनका भारी मंगल भी उभरा हुआ है मध्यम, तो ये भी दिखने में मध्यम टाइप के स्ट्रांग व्यक्ति दिखते होंगे, एग्रेसिवली किसी के सामने नहीं जाते होंगे, बहुत पोलाइटली व्यक्ति बिहेव करते होंगे। अब चलते इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत एकदम क्लीन है, उस पर कोई ज़्यादा रेखाएं नहीं है, पर इतना उभरा हुआ नहीं है, तो इनमें बोलने की जो कैपेसिटी होगी वो अच्छी खासी होगी। व्यक्तियों को बोल काफ़ी करते होंगे, चाहे वो परिवार हो, इनके दोस्त हो, उनमें जब उठना बैठना इनका होता होगा
तो इनके मुंह से बोलना ज़्यादा होता होगा। ये चंद्र पर्वत का माइनस पॉइंट होता है जब थोड़ा सा स्पेस कम लेता है। अब इनका फॉरेन सेटलमेंट कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये एक रेखा आकर चंद्र पर्वत पर जीवन रेखा से आ रही है। ये कंप्लीट इनको फॉरेन सेटलमेंट का अवसर दिया इनको जीवन में। और दूसरी खासियत है ये वाली पार्ट कमज़ोर, जब जीवन रेखा का ये वाला पार्ट हल्का रहता है और ये वाला पार्ट मजबूत होता है तब व्यक्ति सदा के लिए विदेशी हो जाता है। अब इनकी जीवन रेखा का पार्ट यहाँ से जॉइंट होकर यहाँ से और मोटा बदलाव इनके जीवन में आने वाला है। ये जो फेट लाइन है वो इनके जीवन रेखा बनने वाली है। तो वो मछली के साथ इस पार्ट का कॉम्बिनेशन जम रहा है, यानी इनके जीवन में बहुत मोटा बदलाव आएगा, बहुत पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में आने वाला है। अभी ये फिलहाल 54 आसपास के है, तो बहुत नज़ीक का पीरियड है, इनसे इनके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। अब चलते हैं इनके शुक्र माउंट पर। शुक्र माउंट उभरा हुआ काफ़ी अच्छा है और एक बॉल की तरह शेप ले रहा है, पर उस पर गुलाबी कलर नहीं है। तो ये एक इतने अच्छे पाम में ये इतना सा एक माइनस पॉइंट है। तो शुक्र के फल तो दे रहा है पर उस लेवल के फल फिलहाल नहीं मिल रहे। पर जैसे ही ये फिश का एक्टिवेशन पीरियड आएगा यहाँ पे कलर एकदम गुलाबी हो जाएगा। अभी फिलहाल इनका ये गुलाबी कलर है नहीं, पर उस समय इस शुक्र का पर्वत का कलर भी गुलाबी हो जाएगा। अब चलते हैं इनके एक और रेखा देखते हैं, ये शुक्र रेखा। जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन लग्जरियस होता है, हर तरह की लग्जरी व्यक्ति को जीवन में मिलती है। अब इनकी लाइनों को देखते हैं, इनकी हृदय रेखा दोनों के बीच से शुरू हो रही है, लगभग शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। तो व्यक्ति में धन कमाने की इच्छा काफ़ी अधिक होती है, हमेशा मन में पैसा पैसा ही घूमता है, चाहे वो सोते हो जागते हो। जब शनि पर्वत से किसी रेखा का आरंभ होता है तब, और ये जब सीधी रेखा होती है तो व्यक्ति प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाता, घर वालों को हमेशा प्रॉब्लम होती है कि ये प्यार करते नहीं हमें, इनके मन में प्यार होता है पर इनको प्रदर्शन करने नहीं आता। और ये रेखा कामुक भावना भी शनि पर्वत से जब शुरू होती है तो मन में देती है। अब इनकी हृदय रेखा को देखते हैं, हृदय रेखा पर इस पार्ट में डबल लाइन चल रही है, कोई यव व्यव तो है नहीं पर डबल चलती है। जब इस तरह की रेखा बनती है तो व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा बोझ जीवन पर आता है। ये लगभग इनके 52 साल से इनके कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां इनके सर पर आई होगी, एक्स्ट्रा बोझ आया होगा, वो ये हृदय रेखा बता रही है। बाकी इनकी हृदय रेखा यहाँ तक काफ़ी अच्छी चल रही है। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन पर। इनकी माइंड लाइन जीवन रेखा से निकलकर फॉर्मेशन ऐसे ऊपर जा रहा है। जब इस तरह का फॉर्मेशन बनता है और एक रेखा और इनके माइंड लाइन से निकलकर ऊपर जाती है, जब इस तरह से कोई रेखाएं माइंड लाइन से निकलकर भूत पर्वत की ओर जब उसका मुख होता है तो व्यक्ति व्यापार कुशल, एक शब्द मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा हार्ड है शब्द, शातिर होता है। शातिर कंप्लीट बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रहता है ऐसे व्यक्ति का, उनको बिजनेस के अलावा कुछ सूझता नहीं। और इस पीरियड में जब भी ये रेखा निकलती है उस पीरियड में इनको अच्छा खासा कोई अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आती है।
तो ये बेस्ट साइन है और ऐसा व्यक्ति व्यापार कुशल कंप्लीट होता है। अब चलते इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। इनकी जीवन रेखा यहाँ तक काफ़ी झिकझैक है, यानी ये कंप्लीट संघर्ष वाला पीरियड होगा, लगभग उम्र 35-36 के आसपास तक, 35 तक इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय होगा और उसके बाद इनकी जीवन रेखा इस पार्ट में थोड़ी सी पतली है, तो ये पार्ट भी हम संघर्ष वाला गिन सकते हैं। लगभग 40 साल तक का ये पीरियड में सफलता मिलती है, पर उसके लिए काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, तो लगभग, और उसके बाद जो इनके जीवन की गाड़ी चली वो प्रोग्रेस लाइनें कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइनें मिली और इनकी गाड़ी रफ्तार से दौड़ने लगी होगी। अब चलते हैं इनकी आगे की लाइन देखते हैं, और इनकी एक जीवन रेखा का एक फर्क और है। जब इस तरह की सूजी हुई जीवन रेखा होती है तो शरीर में एनर्जी का जो फ्लो होता है, यानी इनर जो स्ट्रेंथ होती है, वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है जब इस तरह का पार्ट होता है। अब ये पार्ट कहाँ तक इनके चल रहा है, ये लगभग जीवन के 55 से 58 साल तक ये इस तरह की रेखा इनकी है। यहाँ से इनके जीवन में थोड़ी सी एनर्जी का अभाव होगा। व्यक्ति को शुरुआती जवानी के दिनों में पता नहीं चलता, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है एनर्जी थोड़ी सी ऐसे लगती है कि कम हो रही है, पर उसके बाद इनके जीवन में एक मोटा बदलाव है और इनकी जीवन रेखा यहाँ से ये बदलाव शुरू हो रहा है और ये जीवन रेखा बन रही है। इनकी जो फेट लाइन है वो इनकी जीवन रेखा बन रही है और ये रेखा काफ़ी मजबूत है। यहाँ से इनका शरीर भी काफ़ी मजबूत बनेगा और इनके शरीर में एनर्जी भी अच्छी खासी शरीर में आएगी, तो ये बेस्ट पार्ट इनके जीवन में मोटा बदलाव अभी से शुरू हो जाएगा 54-55 से, और उस फिश का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। इनके 5 साल उस प्रोसेस में जाएंगे और इनके गाड़ी की रफ्तार एकदम दौड़नी शुरू हो जाएगी। अब चलते इनकी फेट लाइन को देखते हैं। इनकी एक फेट लाइन नॉन स्टॉप केतु पर्वत से शुरू होकर नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है। जब इस तरह की फेट लाइन होती है तो व्यक्ति अच्छा खासा धन का स्रोत क्रिएट करता है जीवन में और बहुत ऊंचाइयां पाता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जब केतु से फेट लाइन का निकलना, यानी पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बहुत अच्छे कार्य हुए रहते हैं, इसके लिए इस तरह की फेट लाइन इनको मिलती है और इनके जीवन में धन की मात्रा अपार आती है। और एक फेट लाइन इनकी यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर समाप्त हो रही है, इसमें बीच में एक गैप भी है इस पार्ट में और ये आगे बढ़ रही है। ये उम्र लगभग 56 के बाद धूमिल हो रही है थोड़ी सी, यानी ये जो कार्य कर रहे होंगे लगभग 38 के बाद का जो कार्य कर रहे होंगे ये उसको इस कार्य को ये ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर 56-57 तक उस कार्य को ड्रॉप कर देंगे। अब ये जो लाइन है ये भी यहाँ पर थोड़ी सी धूमिल हो रही है, पर यहाँ पर इनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस फिश के कारण और इनका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। इस पार्ट में इनका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। अब इस फेट लाइन को कहाँ कहाँ पर किसने काटा है, राहु रेखा ने कौन से साल में काटा है उसको देखते। एक राहु रेखा आई और दोनों फेट लाइनों को काटा। एक फेट लाइन लगभग कटी है इनके उम्र 27 के आसपास या 26 के आसपास, और ये यहाँ पर कटाव है उम्र 28 के आसपास। ये दो पीरियड में इनको कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान हुआ होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं,
पर थोड़े से पैसे इनके गए होंगे। और एक राहु रेखा ने दोनों फेट लाइनों को काटा है, ये उम्र 28 के आसपास और ये उम्र 31 के आसपास या 32 के आसपास, यहाँ पर भी इनको कोई आर्थिक नुकसान हुआ होगा। और ये पीरियड इनका थोड़ा सा इस बिजनेस में डल पड़ा होगा, ये है लगभग 37 से लेके 39 तक का, और यहाँ पर अच्छा खासा इनको आर्थिक नुकसान हुआ होगा। उम्र 39 या 38 के आसपास अच्छे खासे पैसे इनके पास से कम हुए होंगे। अब चलते हैं इनकी दूसरी फेट लाइन पर। एक कटाव इस फेट लाइन का 36 या 37 के आसपास है, और यही फेट लाइन आगे राहु लाइन आगे काट रही है लगभग 40 के आसपास। यानी इनका ओवरऑल देखे तो ये जो 36 से लेके 40 का पीरियड, ये काफ़ी तकलीफ वाला गया होगा। इन्होंने काफ़ी तकलीफें उठाई होगी इस पीरियड में, और वो उनके जीवन रेखा पर भी दिख रहा है, एक्सट्रीम तकलीफ उठाई होगी। अब एक रेखा आकर हृदय रेखा से आ रही है रेखा, और इनकी फेट लाइन को काट रही है। ये लगभग उम्र 46 के आसपास और ये उम्र 40 के आसपास, यानी इनका 40 साल में कोई ना कोई, और 48 साल में कोई ना कोई पारिवारिक एक्सपेंस या घर लेने में या इस तरह का खर्चा इनके जीवन में हुआ होगा। और उसके बाद कोई मेजर कटाव है नहीं, एक कटाव उम्र 54 के आसपास परिवार का कोई खर्चा इनके जीवन में आया होगा या इन्होंने किया होगा, और एक 53 के आसपास। अब इनकी इनकम ज़्यादा है तो इस हिसाब से इनको याद भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा पता नहीं, तो मेरे हिसाब से इनका जीवन आगे काफ़ी उत्तम दिख रहा है, क्योंकि दो दो फिश कंटिन्यू 58 से लेके 80 साल तक में बनी हुई है, और एक मनी ट्रायंगल भी इनके पाम पर स्ट्रांग है। एक तो ये मनी ट्रायंगल है जो कंप्लीट है, और एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसको देसी भाषा में बहुत बड़ा ट्रायंगल कह सकते हैं इसको, ये भी बहुत बड़ा ट्रायंगल है। तो दो मनी ट्रायंगल छोटे और बड़े मिलाकर, यानी इनके जीवन में अच्छा खासा धन है। इन्होंने फ़ोन के अंदर मुझे वो ओपन नहीं किया, खैर कोई व्यक्ति ओपन करता नहीं और हमें कोई आवश्यकता भी नहीं रहती ओपन करने की, हाथ देख के हमको पता चल जाता है कि व्यक्ति की क्या कैपेसिटी होगी। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल चुके होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।